मेरी माँ के पास थी। मैंने कहा मेरी माँ को मैं लेके मेरे साथ रहूँगी। उस माँ को अंदर लेके बोले इसको नहलाएंगे। मेरी माँ ने कहा मैं नहीं नहूर मिला, इसको बोल दे मेरे को बाहर निकाल दे। वो बोला डोगरी छुपो, डोगरी छुपो। उस चोर ने मेरी माँ को डोगरी डोगरी कहा। और फिर मैंने कहा तू पेशेंट को इस तरह बात करेगा क्या? इंसान को ऐसे बोलते हैं क्या? फिर मैं आ गई, वो ठंडे पानी से सिर धो लिया उसका। और ठंडे पानी धोते मेरे वो कहने, मैंने कहा ये कमजोर है, इसको मत धो। फिर विनोद सर आए ना, विनोद सर तूने क्या दे दिया? दोनों बोला मैंने दो है, मेरे से ज्यादा हो गई साहब। मित्तल ICU में थर्ड में थी। मेरी माँ जिनका नाम उगम देवी गढ़वाल था, कल उनका सोडियम कम हो गया था। माननीय चौधरी साहब ने कहा मुझे कि यार एक दिन के लिए कहीं करा दो, तो मैंने सोचा मित्तल में भर्ती करवा देते हैं। मित्तल में कल आराम से एडमिट करवाया। मना कर ICU का केस नहीं है सर, लेकिन इन्होंने रखा। शाम को फिर मिला मैं मम्मी से, ठीक थे। कहे मेरे बेटा मैं सब खा रही हूँ, मेरे नाक में नली क्यों? फिर मुझे कहे हम यहाँ आए हो तो सारी जांचें वगैरह तो हम करेंगे। 15 दिन पहले मैं आज छुट्टी दिला के लेके गया, MRI सारी जांचें हुई लेकिन फिर करी। इन्होंने कहा भाई आपके आप पे सर देनी है, रेलवे से जा रहा तो जांचें तो करवा लो। मैंने ठीक है। सुबह मैं घर पे गया, मम्मी से बिल्कुल हंसी खुशी बात करके गया। उन्होंने कहा कि सारी जाँचें होगी आपकी। मैं घर पर गया, मेरी बड़ी बहन यहाँ पे आई। अब बीच में हो गया, बिल्कुल हंस के छोड़ के गया। और मैंने इनको कहा मेरी माँ को कुछ होना नहीं चाहिए। आते मम्मी के साथ में हो गया। मुझे कहा गया कि भाई हम पुलिस कार्रवाई करो तो आप लिखित में दो। अब पुलिस कार्रवाई अगर मैं करता हूं तो मेरी मम्मी के साथ में जो होगा वो मैं नहीं चाहता हूं। मैं ग्रामीण परिवेश से हूं और मैंने लिख के दिया इनको कि मैं पुलिस कार्रवाई नहीं कहूँगा। मैं संदेश देता हूं कि इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए अस्पताल को। मेरा नाम राकेश गढ़वाल। निवासी उगम देवी जो 83 वर्ष की थी और जिनको न्यूरो प्रॉब्लम के कारण यहाँ मित्तल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, उसकी आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने पर इसके परिजनों ने थोड़ा सा रोष प्रकट किया। जब पुलिस ने आकर उनको कहा कि भाई आप प्रकरण दर्ज करा के जाँच कराना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई जांच नहीं कराना चाहते। और इस बाबत उन्होंने लिखित में दिया है, उनके पुत्र ने, मृतका के पुत्र ने दिया है कि हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। इस पर उनको बॉडी सुपुर्द की और अंतिम संस्कार हेतु वो घर लेके चले। मित्तल हॉस्पिटल पर आरोप भी लगा रहे थे ऐसा हुआ है घटना। अब आरोप तो अगर हमारे को कोई लिखित में दे तो उनकी जाँच की जाती है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते।